السلام عليكم. غربت बंदे को क्या क्या सीन दिखाती है दुनिया में। बशीर यमनी बशिंदा अपना किस्सा बयान करते हैं जो उसके साथ 2017 में पेश आया। किस्सा बहुत खौफनाक और मुरअब है, मुरअब। कमज़ोर दिल वाला इसको नहीं सुने। ये वही किस्सा है जो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाला था, लेकिन मेरी आवाज़ सही नहीं थी उसमें और मुझे ये बहुत खौफनाक लगा था। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मात मिन शर्रि मा खलक। बशीर यमन से इथियोपिया जाते हैं काम के गर्ज से। यमन की करेंसी बहुत डाउन है और वहाँ कोई इतनी अच्छी आमदनी नहीं मिलती। बशीर कहते हैं 2016 में मैं वहाँ जाता हूँ जॉब की तलाश में। मुझे एक जॉब मिलती है ड्राइविंग की, जो कि फार्म होते हैं लोगों के, वहाँ से बीज खरीदना, खाद खरीदनी, उसके मुतल्लिक था। और वही बीज खाद और जो इस फार्म के या खेतों के बारे में जो उनके लिए चीज़ें होती हैं वही ट्रांसफ़र करना होती थी मुझे। एक साल तक मैंने ये काम किया, मेरे काफ़ी दोस्त भी बन गए, मैंने थोड़ी थोड़ी ज़ुबान भी सीख ली थी। तो कहते हैं मेरे ना कमर में दर्द शुरू हो गई, वो ड्राइविंग की वजह से शदीद दर्द थी जिससे मैं गाड़ी चलाने से कासर हो गया था। तो सोच रहा था मैं ये कोई काम छोड़ूं, मैं कोई और काम करूं, ड्राइविंग अब मेरे बस में नहीं है। ऐसे ही एक दिन एक कस्टमर था हमारा बहुत बड़ा, वो आया मेरे पास। सामान जो लोड करवाया था वो छोड़ना था। कहते हैं मुझे, कहते हैं यार बशीर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी रंगत चेंज है और वैसे भी बुझे बुझे दिखते हो। कहता है यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ना कमर में शदीद दर्द रहती है। तो कहता है कोई और काम कर लो। कहता है यार मेरा भी यही इरादा है, कोई और काम कर लो, तो मुझे कोई ऐसा काम मिले तो मैं इसको छोड़ूं, और काम भी मुझे ऐसा चाहिए कि भारी ना हो। तो उस कस्टमर ने कहा कि कोई मसला नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ काम करो। तो मैंने कहा कि क्या काम करना है। कहता कुछ भी नहीं, बस क्या है, मेरा एक फार्म है उसकी रखवाली करनी है, चौकीदारी करनी है वहाँ पर, कोई भारी काम भी नहीं है। उसने कहा हाँ ये तो ठीक है, और जो तनख्वाह उस कस्टमर ने बताई वो तनख्वाह भी बड़ी अच्छी है। तो जब मैं इसके साथ सामान छोड़ने के लिए गया तो देखा कि इसके पास काफ़ी बंदे काम करते हैं। मैंने कहा यार इसने फिर उधर कोई बंदा क्यों नहीं रखा, या फिर ये है कि इसने ये फार्म नया खरीदा है, या फिर ऐसे है कि अल्लाह ने मेरे लिए ये काम छोड़ा हुआ था जो मैं वो करूँगा। कहते मैं अपनी कंपनी से रिज़ाइन किया, जो मैंने वहाँ से पैसे लेने देने थे वो लिए और इसके पास आ गया जो हमारा कस्टमर था। कहता ये मुझे लेके तो चला गया अपने फार्म में। वो फार्म उससे काफ़ी दूर था, कोई 50 किलोमीटर, लेकिन मेन रोड से हट के एक वादी के अंदर जाके इसका फार्म था जहाँ पर कुछ भी नहीं था। शुरू में मैंने यही समझा कि यार आबादी है, इसके पास काफ़ी बंदे काम कर रहे हैं, तो चलो हंसी खुशी मेरे दिन गुजर जाएंगे। लेकिन जब मैं वहाँ उस फार्म में गया तो वो सुनसान था, कुछ भी नहीं। और फार्म किस चीज़ का है, एक कॉफ़ी जो होती है उसके पेड़ हैं, उसके पौधे हैं, जो उसका फार्म है। और इथियोपिया में जो जिसका ये बिजनेस है कॉफ़ी का, वो बहुत पैसे कमाते हैं।
कहते हैं वो फार्म का मैं आपको अहवाल बताऊं, वो ऐसा था कि बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ इसने बाड़ लगाई हुई थी। उस फार्म के अंदर तीन बड़े दरख्त थे। अगर आप जानते हो, अफ्रीका में एक ख़ास किस्म का दरख्त पाया जाता है, वो बहुत ऊंचा होता है और उसका जो तना है वो भी बहुत मोटा होता है, और वो जितने पुराने होते हैं उसी साइज से वो उसका तना मोटा होता है और फैलते भी हैं, ऊपर को जाते हैं। वो तीन बड़े बड़े दरख्त थे, उससे एक कमरा था जो कि डबल स्टोरी था। जो कमरा है उसी के अंदर से एक लोहे की सीढ़ी इन लोगों ने ऊपर चढ़ाई हुई है छत काट के। तो ऊपर का जो छत है वो, ऊपर का जो कमरा है वो, उसके चारों तरफ खिड़कियां लगी हुई हैं, यानी अगर बंदा वहां पर बैठे तो पूरा फार्म जो है वहां से दिखाई देता है चारों तरफ। तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था जब मैंने उस कमरे की सफाई वगैरह की, क्योंकि वहां कोई नहीं रहता था, काफी मट्टी उबार थी। मुझे इसने खाने का सामान दिया और बिस्तर वगैरह दिया और एक मुझे पावर बैंक दिया बड़ा, और एक टॉर्च। जो टॉर्च थी उसकी लाइट बहुत तेज़ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। उस पावर बैंक से उसी टॉर्च को चार्ज करना था और मेरा मोबाइल भी उससे टॉर्च चार्ज होता था। अलमुहम 12:30 बजे उसने मुझे कहा कि ठीक है बशीर, अब तुम संभालो, यही बस काम है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। खालास 12:30 बजे वो चला गया। मैंने अपने लिए जो खाना था वो खाना शुरू किया। खाना खाते खाते मैं इधर उधर देख रहा हूँ, क्या देखता हूँ कि सामने वो बड़े दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी है। औरत स्याह काली। मैंने कहा यार ये कहाँ से आ गई औरत, और गर्मी भी शदीद थी, शदीद गर्मी। खाना खाते हुए मैं यही सोच रहा हूँ ये कहाँ से आ गई। फिर मैंने कहा यार ये तो हमारे फार्म के अंदर है, बाड़ के बाहर नहीं, बाड़ के अंदर जो वो बड़े दरख्त उसके नीचे खड़ी। मैंने दूसरी तरफ देखा, इधर उधर देखा, किसकी बकरियां होंगी, बकरियां चरवाने, क्योंकि वहां पर औरतें काफी हैं जो बकरियां चराती हैं, मगर मुझे कोई बकरी भी नहीं दिखी। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया कि यार ये कहीं कोई पौधे ना काट के ले जाए कॉफी के। जल्दी से खाना खा के तो मैं उस तरफ गया दरख्त के नीचे जहां औरत थी। हैरानगी की बात यह है कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां कोई औरत नहीं। मैंने कहा यार अभी तो मैंने ऊपर से देखा यहाँ औरत थी, खैर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं दोबारा वापस आया और कहता हूँ चलो मैं सोता हूँ, क्योंकि पूरी रात फिर मुझे जागना है, तो भी मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। जो ही मैं अपने कमरे में दोबारा वापस आया, ऊपर चढ़ा तो देखा कि वो औरत वहीं खड़ी है। और हैरानगी की बात ये थी कि वो ऐसे थी जैसे कोई बुत खड़ा है वहां पर, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। तो मुझे थोड़ा सा डर फील हुआ, मैं जल्दी से भाग के नीचे गया और जाके जो मेन दरवाजा था उसको कुंडी लगा दी कि कहीं ऊपर ही ना आ जाए मैं सो रहा हूँ, या फिर ये ऐसा ना हो कि ये रात को मुझे अगवा कर लें या चोरी करने कुछ के लिए यहाँ पर आए। तो दरवाज़ा लॉक करके मैं सो गया। मुझे भी तकरीबन 15 मिनट हुए होंगे सोए हुए, मुझे आवाज़ आती है, बशीर, एक औरत मुझे पुकार रही है।
मैंने आंखें खोली लेकिन अभी मैं नींद के गलबे में हूँ। आवाज़ मुझे आ रही है, वो मुझे पुकार रही है, बशीर। उसकी आवाज़ इस कदर खौफनाक थी, भारी आवाज़। तो जब तीसरी दफ़ा उसने मुझे आवाज़ दी ना, तो मैं मुकम्मल बेदार हो गया। उठ के तो मैंने बाहर देखा कि वो सामने औरत खड़ी है। उसकी शक्ल तोबा खौफनाक मेरी तरफ देख रही। मैं जल्दी से पीछे हट गया। यार ये औरत कौन है, मुझे आवाजें दे रही है, आवाज दे के मुझे कुछ कहती है। उसकी जुबान की मुझे समझ नहीं आती, बस मुझे मेरे नाम की समझ आ रही थी। बाद में मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने कहा यार ये क्या था, कौन औरत थी, उसकी शक्ल ही बहुत खौफनाक है। मैं दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं, तो मुझे लगा कि मैं शायद नींद के गलबे में हूँ, तो या मैंने ख्वाब देखा है। बहरहाल मैं वापस बैठ गया, अब मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने वहाँ चाय बनाई, चाय पीते पीते पिलाते 4 बजे का या 4:30 का टाइम हो गया। मैंने कहा यार मैं कितनी देर इधर बैठूँगा, तो मैंने नीचे उतरा और काफ़ी के जो पौधे थे वो काफ़ी ख़राब भी हुए हुए थे, यानी काफ़ी देर से कोई वहाँ पर कोई बंदा जिसने इन पौधों की देखभाल नहीं की। तो मैं उनको जो लंबी टहनी है उनको काटता हूँ, सीधा करता हूँ। इस चीज़ का मेरे पास तजुर्बा था क्योंकि मैं यमन में एक बाग में काम कर चुका था, तो पौधों को कैसे मेंटेन रखना है उसका मुझे तजर्बा था। अब पौधे काटते काटते, शाखें काटते काटते अंधेरा शुरू हो गया, तो मैंने छोड़ा काम और वापस अपने ऊपर कमरे में आया। नीचे से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पास उसने मुझे मोमबत्तियाँ दी थीं जो मैं जलाई। मैंने मोमबत्ती जला के चाय बनाई, चाय पी रहा हूँ और मोबाइल में अपने गाने लगा दिए, गाने सुन रहा हूँ। ये अचानक मोमबत्ती बुझ गई, अंधेरा फुल है। मैंने जल्दी से लाइटर से दोबारा मोमबत्ती जला के वापस आके फिर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद मोमबत्ती बुझ गई, मैं फिर जाके मोमबत्ती जलाई। मैंने कहा यार ये क्या है, हवा जो है उससे मोमबत्ती बुझ रही है, जबकि बाद में मुझे फील हुआ कि हवा तो है ही नहीं। जब तीसरी दफ़ा बुझी ना, तो मैंने कहा खलास मुश्किल नहीं है, अब मैं क्या बार बार इसको जलाऊं, इसको छोड़ो। तो मैं वैसे ही अंधेरे में बैठ के गाने सुन रहा हूँ। मेरी टांग को किसी ने पकड़ा। जब मेरी टांग को किसी ने पकड़ा, तो मैंने जोर से चीख मारी, ओ जल्दी से मैंने टॉर्च पकड़ी, वो जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं। मैंने कहा यार ये वहम है, मेरा वहम है कि मुझे मेरी टांग किसी ने पकड़ी। तो मैंने फिर जो है वो मोमबत्ती जलाई और वैसे ही अपने गानों में मगन। अब मुझे गाने सुनते हुए मेरा घर याद आ रहा था, मेरा जो वक्त गुजरा था मेरे मुल्क में, मुझे वो याद आ रहा था। चौथी दफ़ा मोमबत्ती बुझी नहीं, लेकिन ऐसे जैसे किसी ने मोमबत्ती को गिराया है, जो लुढ़कती हुई मेरे पास आके बुझ गई। मैंने जल्दी से टॉर्च ऑन करके देखा तो कोई नहीं। मैंने कहा खलास
अब मैं मोमबत्ती भी नहीं जलाऊंगा, ऐसे बैठूंगा। कहते थोड़ी कुछ सेकंड या कुछ मिनट गुजरे होंगे कि मुझे मुझे मेरी गर्दन के ऊपर हवा फील हुई, गर्म, जैसे कोई सांस ले रहा है मेरी गर्दन के करीब। तो मैंने जल्दी से टॉर्च ऑन की। जब मैंने टॉर्च ऑन की तो एक काला साया सा अचानक खिड़की से बाहर निकल गया। ये जो सीन मैंने देखा, मैंने कहा भाई यहाँ कुछ है, इस कमरे में कुछ है। तो मैंने वैसे ही वो टॉर्च ऑन करके वहां पर रख दी, चाय पी रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं उस वक्त बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ता था, बिल्कुल भी कोई नमाज पढ़ता ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद मुझे वही औरत दोबारा आवाज देती है, बशीर। लेकिन इस दफा आवाज बाहर से नहीं आ रही, बल्कि नीचे वाले हिस्से से आ रही है। मैं सोचूं में घूमूं कि यार ये नीचे अंदर कैसे आ गई, अंदर तो कोई भी नहीं आ सकता, दरवाजा मैंने बंद किया हुआ है। मैं इस लम्हे में बहुत डर गया। उसने दोबारा जब मुझे पुकारा तो मैंने हिम्मत करके उस जो वो सुराख किया हुआ था जहाँ पर से सीढ़ी चढ़ाई हुई थी, वहाँ से जाके मैंने नीचे टॉर्च मारी। सामने वो चुड़ैल खड़ी है, इस कद्र खौफनाक उसकी शक्ल, लंबे पैरों तक उसके बाल, फुल काली आंखें उसकी, ऐसे जैसे आग है, शोले हैं, सुरख लाल। जोर से मैं चीखा मारे खौफ के, बिस्मिल्लाह। कहता है मैं गिरा, फिर तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, यानी मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो दो अफ्रीकी बाशिंदे मुझे उठा रहे हैं। मेरे जिस्म में ताकत बिल्कुल नहीं है, ऐसे जैसे किसी ने मेरी रूह निकाल ली है। बस मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, ऐसे मैं नशे की हालत में हूँ, आंखें मेरी आधी आधी खुलती हैं, बंद होती हैं ऐसे। उन दोनों ने मुझे उठाया, दोनों ने एक एक बाजू से पकड़ के उठाया, कैसे नीचे लेके गए, कैसे वो मुझे वहां से कमरे से बाहर लेके गए। और वो मुझे लेते हुए जा रहे हैं। मैंने उनको पूछा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने जो बोला मैंने जिंदगी में वो जुबान सुनी नहीं थी। मैं नशे की हालत में हूं, ऐसे हूं, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो सारे नंगे हैं, बस छोटे छोटे कपड़े से उन लोगों ने अपने जो पार्ट्स हैं उनको छुपाया हुआ है। यानी जो अफ्रीकी ट्राइब होते हैं आपने देखा होगा, वो थे। वो मुझे वो बड़े दरख्त के नीचे लेके गए। जब मुझे वहां लेके गए, वहां आग जल रही है, वहां तो बहुत सारे लोग हैं, वो डांस कर रहे हैं, गाने बोल रहे हैं, उनकी मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन वो कोई पार्टी थी उनकी। एक जगह जाकर उन्होंने मुझे बिठा दिया और खुद भी मेरी तरफ बैठ गए। मैं सामने सारा मंजर देख रहा हूं कि ये इतने लोग कहां से आ गए। तो एक आदमी आया, उसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई है जिसमें गोश्त था। वो प्लेट ना स्टील की थी ना पीतल की थी, वो
मट्टी थी, ऐसे जैसे मट्टी, लेकिन जो आम मट्टी के बर्तन होते हैं वैसी भी नहीं थी। कहता वो ला के उसने मेरे सामने रखा और अपनी जबान में कुछ बोला और आंखों से इशारा किया कि खा लो। उसके इशारे से मुझे पता चला कि इसने कहा कि खा लो। मैं उसमें से एक बोटी उठाता हूँ, भूख मुझे काफी लगी हुई थी, मैंने रात का खाना ही नहीं खाया था, तो मैं उसमें से जब बोटी उठा के देखता हूँ स्याह काला, तो मैंने फील किया कि इसके ऊपर तो बाल है। मैं हाँ, ये तो ऐसे जैसे किसी जानवर की जिल्द है, चमड़ा है जानवर का, बाल भी नहीं उतारे हुए। तो मैंने वापस रख दी प्लेट में। अब मैं इन दोनों की तरफ देख रहा हूं, ये सामने टिकटिकी बांध के देखी जा रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रही। सामने लोग वही डांस डूंस कर रहे हैं। कहते हैं जब ये चीज मैंने देखी तो मैंने कहा हाँ, ये इंसान नहीं, ये जिन्नात है। कहता हिम्मत तो थी नहीं मैं उनसे भाग सकूं, मेरे अंदर जान ही नहीं थी, लेकिन क्या हुआ उस लम्हे अल्लाह ने मेरी जुबान में ताकत डाल दी और एक ही फिक्रा डाला, बिस्मिल्ला। मैंने जब जो ही मैंने पढ़ा बिस्मिल्ला, वो सब गायब। वो ऐसे जैसे कोई फिल्म चल रही हो और किसी ने पीछे से स्विच बंद कर दिया, एक लम्हे में सब गायब। मैं खुद को देखता हूं कि मैं उस दरख्त के नीचे हूं, बड़े दरख्त के नीचे चांद की रोशनी है। मैं बिस्मिल्ला 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 पढ़ते पढ़ते उठा और नशे की हालत में मैं चलता 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 अपने कमरे में आया, दोबारा दरवाजा बंद किया। ऊपर वो जो अल्फाज थे बिस्मिल्लाह, इनसे मुझे थोड़ी सी कुव्वत मिली, ताकत मिली, थोड़ा थोड़ा मैं होश में आ गया। मैं बस एक कोने में होके सिमट के बैठा, मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता जा रहा हूं। तो बाहर से मुझे वहीं से दोबारा वो जो दरख्त था उसी तरफ से मुझे आवाजें आना शुरू हुई, लोग जैसे बातें कर रहे हो। तो मेरे अंदर हिम्मत आई, मैंने उठ के तो खिड़की से देखा, वाकई वहां पर लोग थे, आग भी जल रही थी, नाच गाना कर रहे थे। मैं वापस वहीं बैठ गया, बिस्मिल्लाह 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 पढ़ता रहा। अचानक ना ऐसे जैसे कुछ तूफान आया हो, दरख्त आपस में बज रहे हैं, शोर दरख्तों का। मैं बिल्कुल सहम के मैं कोने में जाकर चिपट गया, बस बिस्मिल्लाह पढ़ता जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो सारी जो आवाजें आ रही थी दरख्तों की वो बंद। फिर मुझे औरत ने आवाज दी, किधर से? मेरे नीचे से, वहीं से। चार दफा उसने मुझे आवाज दी, फिर हिम्मत करके मैं देखा, लेकिन औरत नहीं है। उसी लम्हे मुझे बाहर से औरत की आवाज आई, मैंने टॉर्च उसकी तरफ की, वो बाहर खड़ी है जहां सुबह खड़ी होकर मुझे आवाजें दे रही थी। खौफ से मैंने चीख मारी, गिर गया। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। उस वक्त तकरीबन रात के 2:30 का टाइम था जब मैं आखिरी दफा उस चुड़ैल को देखा, गिर गया। अब जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में हूं। मुझे होश आया तो वो मालिक खड़ा है, उसका बेटा भी खड़ा है। तो
तो मैंने उनसे कहा कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आया। अब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि तुझे इस हॉस्पिटल में 11 दिन, आज 11वां दिन है, आज तुझे होश आया। उसने कहा मुझे क्या हुआ था? तो मालिक ने बताया कि अगले दिन मेरा बेटा फार्म पे गया है तुम्हें खाना देने के लिए, तो जब ये वहां पर गया तुझे आवाजें दी हैं, दरवाजा नीचे से लॉक था, मगर तुम्हारा कोई जवाब नहीं उसको आ रहा था। तो वहां से उसने सीढ़ी उठा के लगाई ताकि खिड़की से तुम्हें देखे, तो जब खिड़की से तुम्हें देखा तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, मुंह खुला हुआ और आसमान की तरफ देख रहे हो, छत की तरफ। तो इसने फोन किया कि अब्बा बशीर मर गया। मैंने जल्दी से वहां से और लोगों को लिया, फार्म पे आया, सीढ़ी से ऊपर से चढ़ के खिड़की के अंदर से जाके नीचे से दरवाजा खोला, तुम्हें उठाया और हॉस्पिटल में लेके आया। तुम हमें बताओ तुम्हें क्या हुआ था? तो मैंने फिर उनको सारा वाकया सुनाया। उसके बाद मैंने वो काम छोड़ा। उस रात मारे खौफ के मेरे राइट साइड की किडनी खराब हो गई। अब मैं एक ही किडनी पे चल रहा हूँ, लेकिन अब मैं जिबूती में हूँ। बस काम मिलता है कर लेता हूँ, यही मेरे हालात हैं। दोस्तों ये वाकया था बशीर का, ये बहुत खौफनाक। मैंने पहले दिन जब सुना, मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े थे, बहुत खौफनाक वाकया। बेचारा मिस्कीन एक रात में उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद अभी वो बेचारा नमाज कोई दिन छोड़ता, लेकिन उस लम्हे उस वक्त उसको कुछ भी नहीं आता था, वही बिस्मिल्लाह से उसको जो थोड़ी सी ताकत मिली। दोस्तों आखिर में आपको बताऊं कि अव्वल तो अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी के साथ वाकया पेश हो, और अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए कि जिन्नात को वो देख ले, तो वहां क्या पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो जिन्नात गायब। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा, और लाइक करिएगा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।